Hi, I'm Roop Kumar Rathod. And I'm Sunali Rathod. And you are watching us on the UK issue. अभी तक बहुत ही लाइफ का हर पल जो है वो रोमांटिक हमें लग रहा है और संगीत के जरिए हम मिले हैं, संगीत के लिए हम मिले हैं और आज संगीत हम साथ में बैठ के कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं। और बहुत अलग एक केमिस्ट्री होती है जब आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आप जब गाना गाते हैं स्टेज पे बैठ करके, तो उसका असर जो है वो सामने वालों पे ज़्यादा होता है। इसलिए लोग ये कहते हैं कि मैं बड़ा रोमांटिक हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, जैसा हूँ वैसा। मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि हमारी केमिस्ट्री इसलिए इतनी सही है और अब तक टचवुड 22 साल हो जाएंगे दिसंबर में, so you know we fight also a lot which is really important and he is speaking the truth, he is a great romantic at heart and he of course he gives me surprises all the time, so yeah hamara balance bahut acha hai, he is a very romantic person and I expect to be the taker in everything, he just has to give and I receive. Pitaji Pandit Chatur Gujarathod wo shastriya gayak the और एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट हम उनके साथ में जाया करते थे, तो सबसे शुरुआत पहले तबले से हुई। मैं तबले से तबला वॉज माई फर्स्ट लव और तबला मैंने बजाना शुरू किया 6 साल की उम्र से, तो जहाँ पिताजी का प्रोग्राम होता था वहाँ 10-15 मिनट पहले एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई यूज़ टू परफॉर्म, और करते 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 रियाज करते करते 18-19 साल में मैंने तबला प्रोफेशनली बजाना शुरू किया। और मैं इतना अच्छा तबला बजाता था क्योंकि मेरी साधना उस पर 12-12 घंटे का मेरा रियाज होता था। एक दिन फादर का प्रोग्राम था तो मैंने कहा चलो 4 साल से फादर को सुनानी है तो आज ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है, मैंने कहा चलो मैं आता हूँ शोर सुनने के लिए, तो मैं चला गया प्रोग्राम सुनने। अब क्लासिकल में ऐसा होता है कि जो मेन आर्टिस्ट बैठते हैं उसके पीछे दो उनके शागिर्द तानपुरा लेकर के बैठते हैं और वो गाते हैं पीछे पीछे, कभी कभी वो सुर लगाते हैं, तो वो दो शागिर्द में से एक आया नहीं था, तो मेरे पिताजी परेशान थे कि अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, दूसरा तानपुरा कौन बजाएगा। तो मैंने कहा डैड मैं बैठ जाता हूँ पीछे, तो मैं तानपुरा लेकर के बैठ गया। उन्होंने गाना शुरू किया, आधे पौने घंटे बाद में शायद वो भूल गए कि पीछे बैठा है वो शागिर्द नहीं बेटा है जो गाने से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने गाते गाते अपने मूड में इशारा किया कि हाँ सुर लगाओ ऐसा कहा पीछे। तो ऑडियंस को पता नहीं कि मैं क्यों बैठा हूँ, कि वो नहीं आया इसलिए मैं बैठा हूँ, उनको लगा कि अरे आज तो ये बेटा गाने के लिए बैठा होगा तो शायद क्या गाएगा। और पूनम जी वो इतनी एम्बरेसिंग मोमेंट थी मेरे लिए, इट वॉज मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब मोमेंट वो था कि मेरी नज़र नीचे हो गई, मैं साह नहीं लगा पाया और मैं बिल्कुल गा नहीं पाया, क्योंकि मैंने कभी स्टेज के ऊपर मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं गाऊँगा। और पिताजी ने मुझे ज़रा सा ऐसा पीछे मुड़ के एक लुक दिया, वो लुक जो है उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे ऐसा लगा कि मैं 24 साल मैंने अपने वेस्ट कर दिए तबला बजा करके, मुझे गाना चाहिए था, मेरे फादर के पीछे बैठ करके मुझे सुर लगाना चाहिए था। तो वो दिन मेरे अंदर एक सिंगर ने जन्म लिया और 85 से फिर मैंने तबला छोड़ दिया और गाना मैंने सीखना शुरू किया, और उस वक़्त सोनाली का साथ मिला और कई मुसीबतें आईं, फाइनेंशियली क्राइसिस आए, आप लोगों की मोहब्बत और गुरुओं के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के सामने। मुझे बहुत ही छोटी उम्र से फिल्मी गाने याद करके गाने का बहुत ही शौक था। उसके बाद जब मैं करीब 10 साल की थी तो मेरी मुलाकात मेरे गुरु पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी से हुई,
जो कि लता जी के छोटे भाई हैं, और बस उस वक्त से जो है मेरा कारवां आगे बढ़ने लगा, मेरा सफ़र शुरू हुआ गाने के फील्ड में, और तब से लेके आज तक मैं सीख रही हूँ, गा रही हूँ। बीच में मैंने 85 के दौरान कुछ गज़लों के एल्बम मेरे रिलीज़ हुए एज अ सोलो सिंगर, और उसके बाद 90s में मेरी मुलाकात रूप जी से हुई, हमारी शादी हुई, एंड उसके बाद हमारे कई गज़लों के और एल्बम्स रिलीज़ हो चुके हैं, जैसे कि मितवा और इशारा, और हाल ही में एक एल्बम रिलीज़ हुआ है कलमा के नाम से। तो इन ये पूरे सफ़र में मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझती हूँ, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आई वॉज एबल टू सी लता दीदी फ्रॉम वेरी वेरी क्लोज क्वार्टर्स सिंस आई वॉज अ किड, एंड आज तक मैं उनके घर जाती हूँ, उनको मिलती हूँ, एंड एक जैसे माँ बेटी का रिलेशन होता है ऐसा ही हमारा रिलेशन है। बचपन में जब मैं सीखने जाती थी मेरे गुरुजी से उनके घर पे, सो आई यूज़ टू सी दीदी एंड आशा जी, वो बाहर कमरे के बाहर खड़े रहते थे ना, आई वॉज यू नो वेरी यंग, 11-12 साल की उम्र, मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या है लता जी, आई वॉज ओनली वेरी मच इन ऑ ऑफ माई गुरु एंड वेरी वेरी पेट्रीफाइड ऑफ हिम, सो आई डिड नॉट इवन यूज आई नेवर यूज टू रियलाइज ओ दिस इज लता मंगेशकर हरसेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम, इट वॉज सो फनी बिकॉज एज अ चाइल्ड शी यूज टू लिसन टू मी व्हेन आई यूज टू लर्न फ्रॉम माई गुरु, और आके बोलती थी अरे सुनाली ऐसे नहीं, इसको ऐसे गाओ, तो आई यूज टू इट वॉज नथिंग, इट वॉज नॉट अ ग्रेट डील फॉर मी यू नो लता जी कमिंग एंड टॉकिंग टू मी नॉर्मली। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई और गाने की समझ जब आई, मैन आई केम टू नो कि संगीत क्या है और कितना मुश्किल है, एंड देन आई रियलाइज ओ माई गॉड दिस इज गॉड इज सरस्वती हरसेल्फ, बिकॉज दे कैन बी आई स्टिल गेट गूज बम्स टॉकिंग अबाउट हर, बिकॉज आई मीन वॉट शी हैज़ डन इन म्यूजिक, जो उन्होंने गाया है वो रिप्रोड्यूस करना तो बहुत दूर की बात है, बट इवन टू अंडरस्टैंड द फाइनल न्यूएंसेस आई थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर एवरी सिंगर एंड every aspiring singer I feel should that would be a part of his training to try and understand what lata ji has sung and then to imitate that. main agar lata ji ke bare mein kahun to sabse pehle to unki jo sadhana hai sangeet ki sadhana, unhone jis tarah se gana sikha hai aur jis waqt unhone gana shuru kiya, abhi kyunki main unke nazdeek reh chuki hu itne saal, and I know about her family background and her family history. Her father was a one of the greatest musicians of ever that India has produced, Pandit Master Dinanath Mangeshkar. तो वो एक classical गवैये थे और उन्होंने दीदी को naturally जाहिर है कि classical सिखाया, और उसके बाद में उन्होंने जो मेरे ख्याल से जो पुराने singers थे जैसे कि लता जी, आशा जी, नूर जहाँ जी या रफ़ी साहब, तलत महमूद, मन्ना डे, इन सारे सिंगर्स ने अपना संगीत सीखा, उस पर बहुत मेहनत करी क्लासिकल म्यूजिक, और ये उनका बेस इतना पक्का था कि उसके बाद जो उन्होंने गाने गाए इट यू नो इट वाज वेरी वेरी इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू फॉलो दोज फाइनल न्यूएंसेस। और अनदर थिंग विच इज़ रियली कंट्रीब्यूटेड टू देयर ग्रेटनेस इज द काइंड ऑफ कंपोजर्स दे गॉट, लाइक मदन मोहन जी या खेमचंद प्रकाश या सी रामचंद्र, नौशाद साहब, इट वॉज अ बिग लिस्ट, गुलाम मोहम्मद जिन्होंने दीदी को फर्स्ट ब्रेक दिया। तो ये जो सारे कंपोजर्स थे दे देमसेल्व्स वर ग्रेट मास्टर्स ऑफ म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, तो वो जब सिंगर को सिखाते थे यू नो इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड ट्रेनिंग दैट दे गॉट फ्रॉम ईच म्यूजिक डायरेक्टर फॉर ईच सॉन्ग। ऐसा नहीं कि आज के जैसा नहीं है कि ये सिंगर आपको म्यूजिक डायरेक्टर सॉन्ग रिकॉर्ड करके भेज देता है, हाँ जी आप सीख के आ जाइए अपने आप और कम टुमारो एंड रिकॉर्ड इट, देयर इज नॉट दैट मच इनपुट, बट द इनपुट ऑफ दीज सिंगर्स एंड द म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड द लिरिसिस्ट वॉज ट्रमेंडस विच मेड अ फुल सॉन्ग। तो आज भी हम वो गानों को याद रखते हैं। देखिए इन 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 लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि
आज आप इमेजिन करें कि अगर रफ़ी साहब नहीं होते या लता जी नहीं होती तो संगीत का कितना खूबसूरत पहलू जो है वो हमसे दूर होता, हमें शायद उसका पता ही ना होता कि सुहानी रात ढल चुकी न जाने कब तुम कब आओगे। तो वो एक जो रूहानियत है, और दूसरी बात ये थी कि ये लोग देवर लाइक एन इंस्टीट्यूट कि आप कोई भी गाना गवा लें इनसे, चाहे कैबरे गवा लें, चाहे शास्त्रीय बंदिश गवा लें, या भजन गवा लें, या रोमांटिक गवा लें, या कव्वाली गवा लें, या सूफी गवा लें, मतलब हर रंग में वो इतने मास्टरी थी उनकी जो आज लैकिंग है। आज देखिए कि आज हर सिंगर के अपनी एक लिमिटेशन है। वो दौर जब तक रहा तब तक वो सिंगर रहा, जैसे दौर बदला वो सिंगर आउटडेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास में और स्टाइल नहीं है गाने की। जैसे मिसाल के तौर पे कुमार शानू हैं जो बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन आज दौर बदल गया तो वो आउटडेटेड हो गए। सी, क्योंकि वो आज की जनरेशन के साथ में कोप अप नहीं कर पा रहे। लेकिन ये लोग क्या रहे होंगे जिन्होंने 50 साल इंडस्ट्री पे राज किया है, तो कितने कितना भरोसा होगा, कितना उन्होंने सीखा होगा, और कितना उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ में बदला होगा, और खूबसूरत बदला। तो लेजेंड्स, इसलिए ये लोग लेजेंड्स हैं अपने आप। सारेगामा के साथ में ये हमारा दूसरा टूर है। पहले 2010 में हमने प्रोग्राम किए थे और विच वॉज अ सोल्ड आउट टूर, और इतना मज़ा आया उनके साथ काम करने के बाद में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो और चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाते हैं रादर देन कला, लेकिन यहाँ सारेगामा नाम ही ऐसा है। और ख़ासतौर से अमरपाल जी जो संगीत से इतने जुड़े हुए हैं, इनकी अपनी पसंद जो हमारी पसंद है वो इनकी पसंद है, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है काम करके। और अब की बार ये एक इतना खूबसूरत सुनहरी मौका, जिसे कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि 100 साल बॉलीवुड के जो हैं वो शुरू हो गए हैं। और तो बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें, तो ही केम अप विद अ ग्रेट आइडिया कि क्यों ना हम ये चार सिंगरों को लेकर के इनके गानों का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हालांकि लिस्ट तो इतनी बड़ी है कि अगर एक एक आर्टिस्ट को लेकर बैठे तो शायद और 100 साल हम लोग गा सकते हैं, लेकिन ये एक शुरुआत हुई है। इस साल के सितंबर में ये टूर की शुरुआत होगी, जिसमें लेजेंड रफ़ी साहब, तलत महमूद जी इसलिए क्योंकि हम लोग गज़लों से जुड़े हैं, शायरी हमारा पेशा है, और आज भी तलत महमूद को बहुत कम गाया गया है। मुकेश जी लोग बहुत गाते हैं, किशोरदा बहुत गाते हैं, रफ़ी साहब को तो हमेशा ही गाया गया है, लेकिन तलत महमूद को बहुत कम गाया गया है, और वो इतने खूबसूरत उनके गाने हैं, वो आज भी एक नॉस्टैल्जिया फील आपको रहता है, तो इसलिए उनको चुना है। और लता दीदी ऑफकोर्स के इतने गाने उनके, और उसके साथ में मैडम नूर जहां के, वो एक अलग जॉनर का गाना है। तो ये चार कलाकारों को हमने चुना है, और एक खूबसूरत सुरों की माला हमने सब पिरोई है, जो हम सितंबर में आएंगे तो आप लोगों के लिए पेश करेंगे। और उसके अलावा ये है कि जो मेरे कुछ गाने हैं, जैसे रब ने बना दी जोड़ी है, या अनवर है, या वीर जारा है, या बॉर्डर है, तो वो तो गाए बिना लोग मुझे जाने देने वाले नहीं हैं। तो मुझे भी उस दिन का इंतज़ार है कि कब मैं स्टेज, कब कर्टन खुले और कब मैं लोगों के सामने हम दोनों परफॉर्म करें। जिसके दिल में उसको पसंद करता है।